नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा विशेष और मैं हूं आपके साथ रंजना सिंह राठौड़। हरियाणा विशेष की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। रविवार को हिसार में हुई घटना का मामला अब दिल्ली तक पहुंच गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दिल्ली में हुई बैठक के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने हिसार की घटना को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री के साथ चर्चा की तो कोरोना से निपटने की रणनीति पर भी मंथन हुआ। दिनों से हमारे अध्यक्ष हमारे होम मिनिस्टर दोनों से मेरी भेंट नहीं हुई थी क्योंकि प्रदेश की सारी जानकारियां उनको देना हमारा काम रहता है। तो आज मुख्य रूप से दो ही विषय, चाहे वो कोरोना का विषय था, सारी हमारी तैयारियां और आगे आने वाले जो चैलेंजेस हैं उसके बारे में भी सब उन्होंने बताया, उनसे मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और इसी प्रकार से जो किसान आंदोलन को लेकर के जो सारी चीज़ें चल रही हैं वो भी जो ताज़ा स्थिति है उनको अवगत कराई है और उसके बाद विचार विमर्श करने के बाद हमको आगे कैसे बढ़ना है वो हमको बताएंगे, हम ऐसे ही आगे बढ़ेंगे। सर, वो हिसार वाले को लेकर तमाम जो अच्छे सारी बयान आए कि भाई कम से कम एक हॉस्पिटल का तो विरोध नहीं करना चाहिए था। सारी बातें उनको बता दी गई हैं और वो इस बात से सहमत हैं कि कम से कम इस प्रकार के काम के लिए तो विरोध करना उचित नहीं बनता है, लेकिन फिर भी उन्होंने किया है। और वो भी मैंने बताया कि कल शाम को आपस में पुलिस के लोगों से और किसान नेताओं की बातचीत हो गई जिसमें से आगे के लिए उन्होंने इसको स्थगित किया है। अब देखते हैं आगे कैसे करते हैं। हरियाणा की तरफ से लगातार कहा जा रहा था, किसानों से अपील की जा रही थी कि आप बॉर्डर्स पर बैठे हैं, वैक्सीनेशन करा लीजिए, हरियाणा सरकार आपकी मदद। वो सब बातें तो हमारी अपनी हैं प्रदेश की, लेकिन जो केंद्रीय नेताओं से मेरी बातचीत हुई है इस संदर्भ में सारे विषय की जानकारी उनको दी है और इससे सारी बातों को तो एक प्रकार से अवगत कराया गया उनको और सब धैर्य रख करके हम आगे बढ़ेंगे, चीज़ों का हल निकलेगा कोई ना कोई। ऐसे ही कोरोना के विषय को लेकर के खास करके जो ब्लैक फंगस की बात भी हमने की है, उन्होंने कहा कि दवाई हम इम्पोर्ट कर रहे हैं और इम्पोर्ट करने के बाद इसको ठीक डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा ऐसा विश्वास दिलाया। तो वहीं हिसार में हुई घटना को प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने गलत बताया। जेपी दलाल ने कहा कि सरकार जहां महामारी से निपटने के लिए दुनिया भर की सरकारें एकजुट होकर कोरोना से जंग लड़ रही हैं, लेकिन कांग्रेस कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। कट जो है एक तरह से सुनामी बन के आया था, लेकिन हरियाणा सरकार ने, हमारे डॉक्टर साहिबान ने, हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने अच्छी तरह से भिवानी जिले में इसको हैंडल किया है और धीरे धीरे करके ग्राम लेवल पर हमने ट्रैकिंग की, हमने टेस्टिंग की, हमने किट बंटवाई, ऑक्सीजन उपलब्ध कराई और कोरोना के केसेस को आइडेंटिफाई किया, आइसोलेट किया और उसका परिणाम ये है कि धीरे धीरे करके हम जो है जो कोरोना पॉजिटिव लोगों की जो संख्या है वो बढ़ने की बजाय घटनी शुरू हो गई है। पर आने वाले वक्त में सरकार की तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र के अंदर PHC हो, CHC हो, वहाँ जो है ऑक्सीजन भी उपलब्ध कराएंगे, दवाइयाँ भी उपलब्ध कराएंगे और जो 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 चाहे ऑक्सीमीटर हो, चाहे वो टेस्टिंग के इक्विपमेंट हो, दवाइयाँ हो, सब चीज़ हम उपलब्ध कराएंगे। सरकार कोरोना को हराने के लिए लड़ रहे हैं और दुर्भाग्य से कांग्रेस पार्टी है कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। दुनिया की सारी सरकारें जहाँ ये संकट आया है एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ रही है और दुर्भाग्य से इसमें जो है खासकर कांग्रेस पार्टी जो है कभी किसान आंदोलन के माध्यम से, कभी बॉर्डर पे उंगलियां उठा करके, कभी वैक्सीन को शक में डाल करके, कभी वैक्सीनेशन पे डाल करके ये कुर्सी हथियाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जनता बहुत समझदार है, जनता सब देख रही है और आने वाले वक्त में ये भविष्य बताएगा कि इस संकट की घड़ी में किसका क्या योगदान। कोरोना वायरस के साथ देश की जंग में साथ देने के लिए तैयार की गई 2DG दवा को आज लॉन्च कर दिया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ DRDO की बनाई गई 2DG दवा को लॉन्च किया। इस खास मौके पर स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जो मरीज ज्यादा गंभीर हैं उन्हें ये दवा नहीं दी जाएगी, लेकिन जिनके अंदर कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है उन्हें ये दवा आज से देनी शुरू कर दी जाएगी। बता दें कि 2DG दवा की 10,000 खुराक की पहली खेप आज लॉन्च कर दी गई।
तो वहीं कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए सरकार मुस्तैद नजर आ रही है और लगातार कोविड अस्पताल स्थापित किए भी जा रहे हैं। इसी कड़ी में फरीदाबाद के मेट्रो अस्पताल में 100 बेड स्थापित किए गए। हॉस्पिटल में 100 बेड की शुरुआत मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी तक कोरोना की दूसरी लहर से लड़ाई लड़ रहे हैं, जल्द ही इस लड़ाई से जीतेंगे भी। आज प्रदेश में कई ऐसे अस्पताल हैं जिन्होंने मरीजों के लिए बेड बढ़ाए हैं। कोरोना जैसी महामारी से जीतने के बाद इन सभी व्यवस्थाओं को आने वाले समय में बढ़ाए गए बेड भी कहीं ना कहीं जरूर इस्तेमाल किए जाएंगे। प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने मेट्रो से 100 बेड का जो कोविड के उसका उद्घाटन करा है, मैं डॉक्टर लाल को बहुत बधाई बहुत मुबारक। ये समय एक ऐसा है जब आम आदमी की मदद कर, और जब कोई सहारा दुनिया में नहीं रोता, डॉक्टर ही एक भगवान का रूप। और हमने हालात देखे, सभी विधायक मेरी सीमा है, नरेंद्र जी, नीरज जी हैं, हमने वो हालात देखे कि लोग दवाई के लिए हॉस्पिटल लिए भगता हुआ रोता हुआ, उस हालात में कोई बेड नहीं थे। और जिस तरह से माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हॉस्पिटल का जो उद्घाटन कहा गुड़गांव से, मैं मुख्यमंत्री जी को, डॉक्टर लाल को, उनकी टीम को बहुत बधाई बहुत मुबारक कि ये हॉस्पिटल आम आदमी के, गरीब के, बीमार के काम आएगा। हरियाणा सरकार की तरफ से डॉक्टर लाल को बहुत बधाई बहुत मुबारक। देखो भाई, ऐसा है, गरीब और अमीर का कोई क्राइटेरिया नहीं है। जहाँ तक मेरा, मैंने अपना क्राइटेरिया बना रखा है, जो यंग पेशेंट्स हैं जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिनको ऑक्सीजन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हम लोगों ने उन पेशेंट्स को एडमिट करना है, यंग पेशेंट्स को बचाना है हमने। क्योंकि यंग पेशेंट्स अगर की डेथ होती जाएगी तो पूरी फैमिली को एक बहुत बड़ा लॉस होता है। तो सबसे अपील है कि अगर यंग पेशेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे को उसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर वो यंग है, उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उस पेशेंट को हम यहाँ एडमिट करेंगे। प्रदेश में संक्रमण दर लगातार कम हो रही है, तो वहीं तीसरी लहर की आशंका के बीच वैक्सीनेशन अभियान पर लगातार जोर दिया जा रहा है। गुरुग्राम में मीडिया कर्मियों को टीके लगाए गए। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज ने भी टीके की डोज ली और वहां के हालातों का जायजा लिया। उनकी रिपोर्ट देखिए। कोरोना के लगातार मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बीच सबसे राहत की बात यह है कि आज दवा हमारे पास है, और इसी को लेकर जिस तरह से वैक्सीनेशन हो रहा है लगातार, और सभी लोगों से, चाहे प्रशासन हो चाहे सरकार हो, यही अपील की जा रही है कि वैक्सीन लगवाई जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। और मैं आज खुद आज वैक्सीनेशन, क्योंकि पत्रकारों को, तमाम पत्रकारों को वैक्सीनेशन आज किया जा रहा है, और जिस तरह से वैक्सीन लगवाने के लिए जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है, और फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मामले बढ़े हैं, तो उस बीच कोशिश यही रहनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे, और वैक्सीन लगने के बाद जिस तरह की जो हिदायतें हैं, जो बताया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कि उन्हें जो बातें माननी होंगी, उन तमाम पहलुओं को भी ध्यान में रखा जाए, और कोशिश यही रहनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की प्रक्रिया रही है उस बीच लगातार कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। और फिलहाल जिस तरह की कोशिशें हैं, आज खुद स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जिस जो कोशिश है, सर कितने आज पत्रकारों को लगाई जा रही है वैक्सीनेशन, किस तरह से आप देखते हैं, क्या लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है? ये बड़ा सराहनीय कदम है सरकार का, और बल्कि मैं ये मानता हूँ कि अगर 16 जनवरी से जब ये शुरुआत हुई थी, उसी समय से अगर हमारे सभी मीडिया भाइयों का जो है अगर वैक्सीनेशन स्टार्ट होता तो और भी अच्छा रहता, लेकिन बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि आप सभी डायरेक्टली जो है पब्लिक के साथ होते हो, तो दोनों तरह की वैक्सीन जो हमारे प्रदेश या ज़िले में लगाई जा रही, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दोनों बहुत अच्छी वैक्सीन है। मैं खुद इन्फेक्टेड हुआ था, और लेकिन वैक्सीनेटेड होने की वजह से मुझे कोई सीवियरिटी नहीं हुई, कोई बुखार नहीं आया, तो बिल्कुल आगे आए और सभी लोग लगवाएं। बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि तमाम लोग इस वैक्सीन को लगवाएं, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है। अनिल जी, किस तरह से देखते हैं कि आज पत्रकारों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है? ये अच्छा कदम है सरकार का, लेकिन थोड़ा देरी कर दी। जब स्टार्ट हुआ था 16 जनवरी को, तो तभी मीडिया को साथ लेना चाहिए था, क्योंकि फ्रंट वर्कर में हेल्थ विभाग, पुलिस और मीडिया तीन ही काम फील्ड में करते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों सरकार ने ये लेट डिसीजन लिया और बहुत देर से ले लिया। चलो धन्यवाद सरकार का, आज भी उन्होंने डिसीजन लिया, इसके लिए धन्यवाद। मैं आपके चैनल से एक और बात कहना चाहूँगा कि मैं मार्केट में बहुत सुनता हूँ, कोवैक्सीन को लेकर, कोविशील्ड वैक्सीन को लेकर एक लोगों में भ्रम है, ये गलत है। जिसको जो वैक्सीन लगे वो लगानी चाहिए, और इसके लिए कोई किसी तरह का भ्रम नहीं।
हाँ बिल्कुल, देखिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिस तरह से लोगों में एक डर बना हुआ है कि वैक्सीन लगाने के बाद कहीं वो ज़्यादा बीमार ना हो जाएं, कहीं किसी दूसरी घटना उनके साथ ना घट जाए, तो उन तमाम पहलुओं के बीच आज खुद हमने भी वैक्सीन लगवाया और तमाम पत्रकार भी आज वैक्सीन लगा रहे हैं। और यही नहीं, कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये तमाम दवाई आज मार्केट में है और स्वास्थ्य विभाग इन दो दवाइयों को लगातार लगा रहा है। लेकिन लोगों के अंदर जो भ्रम है उसको लेकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक होना होगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगे तो निश्चित तौर पर इस अदृश्य दुश्मन को मात दी जा सकती है। गुरुग्राम से कैमरामैन गीतम के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज़। देश में फैले कोरोना संकट के बीच वैक्सीनेशन जोरों शोरों पर जारी है। चंडीगढ़ में लोगों को वैक्सीन लगाने का काम भी तेजी से चल रहा है। वैक्सीन सेंटर्स पर लोग वैक्सीन लगवाने के लिए भी पहुंच रहे हैं और प्रशासन ने वैक्सीनेशन अभियान के लिए क्या खास तैयारियां कर रखी हैं, इसका जायजा हमारे संवाददाता विपिन परमार ने लिया। उनकी रिपोर्ट देखिए। देश प्रदेश में कोरोना के पल दर पल बदलते हालातों को देखते हुए कई तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं और इन्हीं हालातों पर अगर बात करें, कई तरह की ऐसी पिक्चर्स भी हैं जो कि मानवता को दर्शाती हैं। लेकिन इस बीमारी में सबसे बड़ी चिंता अगर रहती है तो वो रहती है परिवार की। ऐसे में अगर एक व्यक्ति पॉजिटिव होता है और बाकी जो है परिवार पॉजिटिव नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में होम आइसोलेशन की एक जो प्रक्रिया है उसको पूरा कर पाना उस व्यक्ति के लिए जो है वो ना केवल मेंटली बल्कि फिजिकली भी बहुत ज्यादा चैलेंजिंग रहता है। इसी को लेकर अलग अलग आइडियाज जो हैं वो कहीं ना कहीं जमीन धरातल पर उतरते नजर आ रहे हैं। इस समय हम सन सिटी यहाँ पर सोसाइटी में मौजूद हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सोसाइटी की ओर से जो है एक इनिशिएटिव लिया गया है। ये 12 बेडेड कोविड सेंटर यहाँ पर तैयार किया गया है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स और तमाम जो रिक्वायरमेंट रहती है मैकेनिज्म या मशीनरी की, उसके साथ ऐसी परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति कोविड पॉजिटिव होता है और होम आइसोलेट वो नहीं होना चाहता तो इन कोविड सेंटर्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकता है। ना केवल ये इक्विपमेंट्स बल्कि दवाइयां और तमाम चीजों की के साथ साथ मेडिकल हेल्प जो है वो भी यहाँ पर मिल रही है। हमारे साथ डॉक्टर साहब यहाँ पर मौजूद है। डॉक्टर साहब सबसे पहले नाम बता दीजिए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम गोयल है, मैं एक सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल मोहाली में। अनुपम जी, ये इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया, आपकी सोसाइटी ने लिया, आखिर क्या दिमाग में आया, क्योंकि केसेस बहुत ज्यादा राइज भी कर रहे थे, ऐसी परिस्थितियों में ये 12 बेडेड जो आपने लगाया है, कॉन्सेंट्रेटर्स हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, दवाइयां आप दे रहे हैं, क्या सोच थी इस पूरे इनिशिएटिव? सर, जैसे हम देख रहे हैं कि पूरे इंडिया में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, सो हम देख रहे हैं कि लोगों को हॉस्पिटल बेड नहीं मिल रहा या फिर उनको एक टाइमली मेडिसिन नहीं मिल रही, कोई नर्सिंग केयर नहीं मिल रही। सो ये एक सोसाइटी है सन सिटी परिक्रमा सेक्टर 20 पंचकुला में। सो इस सोसाइटी में कहीं 700-800 फैमिलीज ऑलरेडी रह रही हैं। सो हमने सभी ने कलेक्टिवली एक इनिशिएटिव लिया कि व्हाई नॉट क्रिएट आर ओन कोविड आइसोलेशन फैसिलिटी, जहां पर आपको कोई इमरजेंसी है, आपको कोई मेडिसिन चाहिए, नर्सिंग केयर चाहिए, तो आपको हॉस्पिटल नहीं रश करना पड़ेगा, आपको सारी की सारी फर्स्ट एड जो फैसिलिटीज हैं वो आपके क्लब हाउस में आपकी सोसाइटी के अंदर आपको मिल जाएगी। सो इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट रहा है, सभी लोगों में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ गई है। पीपल आर, पहले जो लोगों को एंग्जाइटी हो रही थी, नेगेटिविटी थी कि हमें कल को कोविड होगा तो हम इलाज नहीं कहाँ करेंगे, हमें कहाँ बेड मिलेगा, सो वो सिक्योरिटी जो है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी लोगों में अब आ गई है कि हमारी सोसाइटी के अंदर ही हमें सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, नर्सिंग केयर, ऑक्सीजन चाहिए कंसंट्रेटर से, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हमने यहाँ अवेलेबल किए हैं, डॉक्टर्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो टेली कंसल्ट भी देंगे और इन हाउस हमारे पास रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं जो उन्हें मैनेज करेंगे। और ये जो सारा एफर्ट है, ये सोसाइटी के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनके एफर्ट से ये लिया गया है कि सभी ने, किसी ने अपनी फिजिकल प्रेजेंस से, किसी ने कुछ मेडिसिन डोनेट की हैं, किसी ने मॉनिटरी हेल्प की है, और ये फैसिलिटी बाय द रेजिडेंट्स फॉर द सन सिटी रेजिडेंट्स हमने क्रिएट की है। एक एक आपने मेंटेलिटी की बात की, साइकोलॉजी की बात करी, क्योंकि आज की परिस्थिति यह है कि बेड्स नहीं मिल रहे, लोगों को अस्पताल जाने में भी डर लगता है, इस तरह के इनिशिएटिव्स जो हैं वो कितना दिमागी तौर पर, आप खुद डॉक्टर हैं, दिमागी तौर पर कितना स्ट्रांग जो है एक आदमी को बना रहे? सर, जो ये फैसिलिटी है ये दो लेवल पे हमें बहुत हेल्प करती है। पहला है पेशेंट लेवल पे, दूसरा हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पे। पेशेंट को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है कि कल को मेरे को रात को इवनिंग में अगर उन्हें लगता है कि मेरी सेचुरेशन 90 तक टच कर गई है तो उनको कुछ नहीं करना, उनको हमें कोविड फैसिलिटी में फ़ोन करना है, यहाँ की नर्स जो है वो उनको देखेगी, उनको एग्जामिन करेगी, ऑक्सीजन लगाएगी और ट्रीटमेंट देंगी। सबसे जो बेनिफिट है जो हेल्थ केयर फैसिलिटी पे हुआ है कि हम देख रहे हैं हॉस्पिटल में बेड्स बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है, सो ये एक ट्राइज का सिस्टम प्ले करेगा कि जो बहुत वेरी माइल्ड और माइल्ड केसेस हैं उनको हम इसी सेंटर पे फैसिलिटीज दे पाएंगे, जिससे हॉस्पिटल्स में बेड की अवेलेबिलिटी बेटर होगी।
सो अनुज हमारे साथ यहाँ पर हैं, सन सिटी के ही यहाँ पर रेजिडेंट भी हैं और साथ ही साथ इस इनिशिएटिव में भी इनका बहुत योगदान है। अनुज किस तरह से देखते हैं, आप लोगों ने ये एक इनिशिएट लिया है, लेकिन जिस तरह से डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 800 परिवार यहाँ पर रहते हैं, आपके पास कई तरह का स्टाफ भी आता होगा, मेड्स वगैरह तमाम लोग आते हैं, उनके लिए क्या कुछ इनिशिएटिव? तो अभी जैसे हमने प्लान किया है, जितने भी वर्कर्स यहाँ पर आते हैं उनको हमें किट दे रहे हैं, कोविड किट दे रहे हैं, जिसके अंदर उनके लिए टेस्टिंग के लिए सामान, मास्क, सैनिटाइजर सब उनके लिए रहेगा, ताकि अगर इनिशियल उनको कोई सिम्टम्स आते हैं तो वो दवाइयाँ रहेंगी, उनके लिए भी ये सिस्टम काम करेगा यहाँ से। तो आप देख सकते हैं ये सन सिटी परिक्रमा में हम इस समय मौजूद हैं, आप देख सकते हैं ये डेस्क जो है यहाँ पर बनाया गया है। वी विश यू द स्पीडी रिकवरी, क्योंकि आपके दिमाग का खेल है, कोई भी बीमारी है वो आपके दिमाग पर अगर हावी ना हो तो आप उस पर पार पा सकते हैं, और यही खेल कोरोना के साथ भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर जरूरत की तमाम दवाइयां भी यहाँ पर जो है काउंटर्स पर यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जब अगर कोई मरीज आएगा उस परिस्थिति में पीपीई किट्स के साथ मास्क वगैरह तमाम तरह की जरूरत जो रहती है सुरक्षा के ध्येय को देखते हुए, क्योंकि ये डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ यहाँ पर काम करेगा उसकी भी सुरक्षा बेहद ज्यादा जरूरी है, तो उन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए ये कोविड सेंटर जो है यहाँ पर बनाया गया है। अगर कोई व्यक्ति होम आइसोलेटेड नहीं होना चाहता तो यहाँ पर आकर जो है वो आइसोलेट हो सकता है, और साथ ही साथ ऑक्सीजन सैचुरेशन की जो प्रॉब्लम आ रही है कि ऑक्सीजन कम होती है तो ऐसी परिस्थिति में जो नियरेस्ट हॉस्पिटल है उस तक जाना पड़ता है, तो यहाँ पर एक इनिशिएटिव लिया गया है कि इन बेड्स के साथ ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स के साथ साथ सिलेंडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, अगर सेचुरेशन होती है कम जाती है तो उस समय यानी कि उस आपातकालीन परिस्थिति में जो है उन्हें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन यहाँ पर दी जा सकती है ताकि उसकी जान को बचाया जा सके। कैमरा पर्सन शशांक के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज। कोरोना के ज्यादा मरीज आने पर गांव के स्कूलों और अन्य सार्वजनिक जगहों पर आइसोलेशन केंद्र बनाए जा रहे हैं, ताकि ऐसे मरीजों को उनमें रखा जा सके जिनके पास होम आइसोलेशन की सुविधाएं नहीं हैं। भिवानी जिला प्रशासन की मुस्तैदी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अस्पताल नहीं है लेकिन अस्पताल का रूप दिया गया है। 10 से ज्यादा बेड यहाँ पर डाले गए, आइसोलेशन वार्ड का रूप दिया गया है, और खुद भिवानी के डीएम जो है लगातार मॉनिटरिंग भी करते आए हैं, लगातार अधिकारियों की एक तरह से यूँ कहा जाएगा कि क्लास भी लगाई गई है और पूछा गया है कि व्यवस्थाएं कब सुदृढ़ होंगी। ये केंद्र बनाया गया सर यहाँ पर, हमने देखा है कि यहाँ पर हालांकि अस्पताल नहीं है लेकिन अस्पताल से कम भी दिखाई नहीं देता है, तो ऐसे में लोगों को कितनी सेवा मिल पाएगी इस आइसोलेशन केंद्र में? देखिए, जो जिसके घर में होम आइसोलेशन के लिए जगह नहीं है और उसको वास्तव में यहाँ आके चाहे वो सैनिटाइजर है, मास्क है, ऑक्सीमीटर है, स्ट्रीमर है और थर्मामीटर है, सभी तरह की दवाइयां हैं, डॉक्टर्स उपलब्ध हैं, तो उसको एकदम से एक जो शुरू में जो पेशेंट को जो ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए वो यहां पर मिल पाएगी, और जैसे ही उसको ये पता लगेगा कि मेरे को ज़्यादा है, मैं क्रिटिकल हूं, तो मेरी एम्बुलेंस उसको तुरंत सिविल हॉस्पिटल लेके जाएगी, नियरबाय हॉस्पिटल लेके जाएगी, तो ये एक बड़ी राहत है। जो यानी थ्योरी को समझ सकते हैं कि अगर फर्स्ट एड की बात है, यहाँ पर पहले चिन्हित करेगा विभाग, चिन्हित करने के बाद उनको यहाँ लाया जाएगा ताकि बीमारी और ना फैले, उसके बाद अगर दिक्कत है तो उसको जिला मुख्यालय पर ले जाया जाएगा, यही मानते इस बीमारी के संक्रमण को रोकने के लिए आइसोलेशन सेंटर है, ताकि घर वालों को और को ना फैले, उसकी शुरू की स्टेज पर उसके इलाज हो जाए, और उसको ज़्यादा है तो उसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उसको शिफ्ट किया जा सके। चिकित्सक यहाँ पर तैनात रहेंगे सर? हाँ, इसमें एक अपना जो उसकी टीम, सीएमओ की टीम तैनात रहेगी, और इसमें यहाँ पर हमने अपना एम्बुलेंस को भी तैनात करने के लिए बोला है, ताकि उसको तुरंत अगर कोई ऑक्सीजन की जरूरत हो ऑक्सीजन लेके तुरंत मेन हॉस्पिटल पहुंचा जाए। देखिए, भले ही कोरोना ने गाँव में दस्तक दी हो लेकिन विभाग भी, वो एक कहावत आती है तो डाल डाल में पात पात, तो कोरोना ने जब गांव में दस्तक दी तो विभाग भी मुस्तैद हुआ, प्रशासन भी मुस्तैद हुआ, और मुस्तैदी का अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तमाम तैयारियां इस तरह से मुकम्मल की गई हैं कि बीमारी जो है उसको पहले ही जड़ से ख़त्म किया जाए, और इसी वजह से बाहर जो ये कर्मचारी हैं, आशा वर्कर की चाहे बात करें, MPSW वर्कर्स की बात करें, ये तमाम लोग इसी वजह से आए थे कि यहाँ पर जो मरीज़ हैं उनकी पहले जाँच की जाए, जो संदिग्ध हैं उनकी जाँच की जाए, जाँच के बाद अगर आवश्यकता पड़ती है तो आइसोलेशन केंद्र में उनको लाया जाए, आइसोलेशन केंद्र में लाने के बाद अगर स्थिति नाजुक दिखती है तो जो हायर इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर ले जाया जाए, भले ही भिवानी में जिस तरह के केंद्र बनाए गए हैं आइसोलेशन के अलावा, चाहे ऑक्सीजन युक्त बेड्स की बात करें, ऐसे अस्पताल भी पैनल पर हैं, वहाँ पर भी ले जाया जा सकता है, तमाम चीज़ें हो, तमाम उन बातों को ध्यान में रखते हुए अब गाँव में इस तरह से कि बीमारी को संक्रमण से पहले ही दबा दिया जाए, रोक दिया जाए, उसी कड़ी में ये तमाम चीज़ें पूरी की गई हैं।
बहरहाल विभाग का ये कारना हो, विभाग की ये कवायद कितनी कामयाब हो पाती है ये वक्त बताएगा, लेकिन अगर कोविड की श्रृंखला को तोड़ना है, चेन को ब्रेक करना है, तो निश्चित तौर पर इसको एक नायाब कदम माना जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भी कोरोना महामारी पांव पसार रही है। कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा द्वारा पंडित केदारनाथ शर्मा अस्पताल एवं चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से सैनिटाइजेशन का कार्य जोरों शोरों से चल रहा है। आज अंबाला शहर के वार्ड नंबर 4 में सैनिटाइजेशन का काम किया गया। इलाके के लोगों ने इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा का धन्यवाद भी किया। जैसे ही हमने उनको यहाँ के बारे में बताया कि यहाँ कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने सैनिटाइज के लिए अपनी मशीन और अपनी टीम को हमारे यहाँ भेजा और घर घर हम सैनिटाइज कर रहे हैं। और शक्ति रानी मैडम ने जो हमें आदेश दिए हैं, हम उसके लिए रिक्वेस्ट करते हैं लोगों को कि मास्क पहन के रखें, घर से कम निकलें और दो गज की दूरी हमेशा 2 गज की दूरी रखें। कोई जरूरत बड़ी बोले जरूरत बड़ी अपने आप ही उन्होंने देखा कि पब्लिक कि माहौल बहुत खराब हो रहा है, बहुत अपना केस पॉजिटिव केस हो रहे हैं। सिटी शुरू किया फिर बल्दे में कैंप, हमारे गांधी पार्क सुभाष नगर पूरा घुमाया जी उनका सैनिटाइजर, पूरे सैनिटाइजर हो रहा है, हर घर घर में भी कर रहे हैं, घर घर के तो सैनिटाइजर हो रहा है। जब शर्मा जी ने करवाना शुरू किया फिर वो कंपटीशन में भेज, जब हम कर रहे हैं दोबारा में भेज रहे हैं। पहले तो हमारे विधायक जी को 6 साल में कुछ याद नहीं आया यहाँ कोरोना है। अब शर्मा जी की जो योगदान है भले के लिए वो शायद कभी नहीं हो सकता। शर्मा जी इतने लोगों को रोजगार लगवाया, शर्मा जी का स्थान कभी भी अम्बाला के लोगों को भूलना नहीं चाहिए। हमारे विधायक जी कंपटीशन करते हैं हमारे साथ, पहले तो उनको याद आ रही ना कि बलदेव में कुछ है, आज हम कर रहे हैं। फिर उन्होंने मशीनें भेजी, 3 दिन मशीनें भेजी और 10 दिन से कोई उनको पता नहीं कि यहाँ बलदेव में क्या हाल है, क्या लेना। अब कंपटीशन के तरफ भेज रहे हैं, इसलिए हम शर्मा जी को हम बलदेव लोगों से कहना कि शर्मा जी का बहुत बहुत थैंक्स। तो वहीं हिसार रेंज के आईजी राकेश आर्य सिविल अस्पताल पहुंचे। आईजी ने इलाज करवा रहे घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना और उन्हें किसान आंदोलनकारियों का डटकर सामना करने पर शाबाशी भी दी। रविवार को सीएम मनोहर लाल के जाने के बाद हिसार में 500 बेड के अस्पताल के उद्घाटन का विरोध करने वालों के साथ पुलिस के साथ झड़प में लगभग 20 पुलिसकर्मी जख्मी हुए थे, जिनमें से कुछ पुलिसकर्मी महाराजा अग्रसेन सामान्य अस्पताल में दाखिल हैं। इस मौके पर आईजी राकेश आर्य ने किसानों से हुए समझौते के बावजूद 42 किसान आंदोलनकारियों पर दर्ज किए गए 107 और 151 के मुकदमे पर भी जवाब दिया। ये अपने प्रेस रिलीज में ही बताया था, हमारे करीब 20 मुलाजिमों को चोटें आई हैं और जिनमें से 10-12 अभी यहाँ पे एडमिट हैं। आपके सामने आपने भी देखा उनकी एक्सरे सीटी स्कैन और बाकी जो ऑब्जर्वेशन है वो डॉक्टर साहब ऑब्जर्व कर रहे हैं। अभी डॉक्टर साहब के साथ में मैंने विजिट किया है और इनसे भी फीडबैक किया है कि उनकी कैसी स्थिति है। फॉर्चुनेटली बहुत गंभीर चोटें नहीं हैं, 2-3 लोगों को सर में चोटें हैं, उनका सीटी स्कैन अभी कराएंगे, उसके बाद स्थिति क्लियर होगी। बाकी लोग स्टेबल हैं और उनका हालचाल जानने के लिए कल के इंसिडेंट के बाद मैंने यहाँ विजिट किया। तो सर अभी कल एक समझौता हुआ था, उसमें कहा गया था कि कोई केस दर्ज नहीं करवाया जाएगा, लेकिन 151 के अंदर केस दर्ज किया गया 42 लोगों के खिलाफ। देखिए जो हमारी बात हुई थी, जो समझौता है उसका या जो भी शब्द देना चाहें उसके हिसाब से हमने कार्रवाई कर। इसी के साथ हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना, लेकिन लगातार बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।